23 नवंबर यानी शनिवार को महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आना है। महाविकास अघाड़ी और महायुति अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी ने बैठक की है। 1.5 घंटे चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनाई गई। सूत्रों की खबर है कि जीतने वाले बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में भी शिफ्ट करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मतगणना के समय रखी जाएगी कड़ी नजर, कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी तरह तैयार है महाविकास अघाड़ी। सीएम फीस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा है कि हाईकमान का फैसला मान्य होगा, 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार, हरियाणा में जो नुकसान हुआ महाराष्ट्र यहाँ नहीं होगा। एग्जिट पोल पर उद्धव गुट को भी भरोसा नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160 से 65 सीटें मिलने वाली है। नाना पटोले के सीएम पद के दावे पर जितेंद्र आव्हाड ने भी जवाब दिया, कहा कोई बोल कर खुश हो रहा है तो होने दीजिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है विदर्भ में महाअघाड़ी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीट, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है नतीजों में दिखेगा बड़ा उलटफेर, वोट परसेंटेज बढ़ना सरकार के खिलाफ। एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी काफी खुश दिख रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, बड़े वोट परसेंट का बीजेपी को फायदा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीएम पद को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, रिजल्ट आने के बाद सब बैठकर फैसला करेंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की, कहा कि शिवसेना को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने धांधली का आरोप लगाया, कुंदरकी मीरापुर और सीसमऊ में फिर चुनाव कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना, कहा सीटें हारने को लेकर घबराहट में थी बीजेपी, इसलिए उन्होंने प्रशासन को लगाया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर डायरेक्ट अटैक भी किया है, कहा कोई वस्त्र से योगी नहीं होता है, विचार से होता है। एग्जिट पोल पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, जनता को विकास होना चाहिए इसलिए बीजेपी को वोट दिया। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, 51 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। कांग्रेस भी झारखंड में जीत को लेकर आश्वस्त, शुभोत कांत सहाय ने कहा 50 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर यादव ने भरोसा जताया है कि 23 नवंबर को निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एग्जिट पोल पर बोलने से इनकार किया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया।